हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है अहोई अष्टमी और अहोई अष्टमी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि उस दिन बच्चों के लिए फास्ट किया जाता है। अहोई माता जो होती है वो बच्चे देने वाली माता होती है, उनका फास्ट किया जाता है। तो आज मैं हो गई हूँ राजस्थानी लुक में रेडी। तो मैं हो चुकी थी आज राजस्थानी लुक में रेडी। कल थी हुई अष्टमी तो हमारे राजस्थानी की राजपूती पोशाक मैंने पहनी थी और ये अहोई माता का सेटअप हमने किया था पूजा का। इसमें भी आठ पूड़ी और हलवा हलवे से पूजा जाता है माता को और ये महावर पूजा से पहले हर पूजा में हमारे लगाया जाता है। तो मेरी सिस्टर भी आई हुई थी तो पहले भाभी के मैंने महावर लगा दिया फिर उसके लगा दिया क्योंकि पहले कन्याओं के और मैरिड लेडीज़ के लगाना बहुत अच्छा रहता है। तो मैंने उन दोनों के पहले लगा दिया और फिर उसके बाद मैंने मेरे भी महावर लगाया। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि ये लाइन सिर्फ मैरिड लेडीज के ही बनाई जाती है महावर में जब शादी हो जाती है, वरना कुमारी कन्याओं के सिर्फ वो गोल लगाते हैं। तो ये मैंने उसके लाइन बना दी थी पूरा महावर लगा के। बहुत अच्छा लगता है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें ना फॉलो करना कुछ खासकर फेस्टिवल्स पे, क्योंकि थोड़े बहुत दिनों बाद फेस्टिवल्स आते हैं तो कुछ अच्छा लगता है कि हाँ हम चीज़ें करें, क्योंकि आजकल सब चीज़ें ख़त्म सी होती जा रही हैं। और फिर उसके बाद मैंने मेरे भी महावर लगाया, मुझे तो काफ़ी पसंद है। और फिर हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दी। तो आप देखिए हम लोग पूजा कैसे करते हैं। सबसे पहले ये ट्रोली टीके से माता के तिलक लगाएंगे, उसके बाद हल्दी से पूजा करेंगे, फिर उसके बाद उनको अठ्यावरी का भोग लगाएंगे धीरे धीरे और दोनों बच्चों को बिठा लिया क्योंकि उनके लिए ये पूजा करी जा रही थी। तो मैंने इस तरीके से पूजा करी और इसमें क्या होता है ना कि एक अहोई माता का पेंडेंट होता है जो हमें मार्केट में मिल जाता है। तो उसमें क्या होता है जैसे ही हर ईयर जिस ईयर हम व्रत करते हैं तो जैसे ही बच्चे हो जाते हैं, कई लोग तो बच्चे होने से पहले भी फास्ट करते हैं और कई लोग बच्चे होने के बाद ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब भी बच्चे हो जाते हैं ना तो अहोई माता का जो पेंडेंट होता है उसमें जैसे ही वन ईयर का फास्ट होता है बच्चे के लिए तो हर साल एक एक मोती उस माला में बढ़ाया जाता है। तो मैं भी हर ईयर फास्ट के टाइम मोती है ना माला में बढ़ा देती हूँ कि बच्चों के नाम का, और वो माला हमें लास्ट तक चलेगी जब तक हम पूजा करेंगे, और हम तो पूजा करेंगे ही क्योंकि हमें तो पूजा करना बड़ा पसंद है। तो इस तरीके से अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। आप लोगों के भी अहोई अष्टमी होती है या फिर आप लोगों के कैसे करा जाता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कई लोगों के कुछ होता है और कई लोगों के कुछ, क्योंकि अलग अलग रिचुअल्स फॉलो करे जाते हैं। तो ये मोस्टली शायद राजस्थान यूपी साइड में ही होती है, नॉर्थ साइड में ही मीन्स होती है, बाकी जगहों का मुझे पता नहीं है। लेकिन कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ कैसा मनाया जाता है और क्या किया जाता है। बाबू बैठ के साइड में आइसक्रीम खाया जा रहा था और इस दिन माता की पूजा के साथ साथ बच्चों को भी, मतलब सब करते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं तो बच्चों को भी माला वगैरह पहनाती हूँ। तो आप लोग इसमें देख ही सकते हैं कि हम लोग क्या क्या करते हैं करके, तो देखिए देखते हैं कि क्या क्या होता है। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने व्रत की कथा, क्योंकि इसमें कथा भी पढ़ी जाती है तो हम लोग कथा पढ़ेंगे। और आकर कहने लगी कि तूने कैसे कोक कैसे खुलवाई। वह बोली तुमने तो कोक बंधवाई नहीं थी सो मैंने कोक बंद। देख मेरे बंद कर दो सेल्फी लाइट, उसे बंद कर दो सेल्फी लाइट। बहुत अच्छी बेटा नहीं अभी तुम्हें तारे के चल दूंगी फिर मैं पानी पिला फिर जाओ तुम। हाँ तुम दोनों ठीक है बाबू बैठे हैं यहाँ पूजा में। तो करवा चौथ के दिन जैसे कि हम चांद को जल देते हैं, इसमें तारों को जल दिया जाता है। तो तारे निकल चुके थे 7 बजे तो हम लोग जल वगैरह देने के लिए आ चुके थे। और अहोई माता का जो पेंडेंट होता है वो पूजा के टाइम पहना जाता है, उसे पहन के ही पूजा करी जाती है।
और जो अहोई अष्टमी के लिए जो पूड़ी और प्रसाद बनाया जाता है उसे हम किसी भी मैरिड लेडी को जिसके बच्चे होते हैं उसको दे देते हैं पूजा करके। तो इस तरीके से अहोई अष्टमी की पूजा करी जाती है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होती है, आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ कैसी होती है। और हमारे जब जल चढ़ा देते हैं तो फिर इस लोटे में वापस जल भर के रख दिया जाता है, जो दिवाली के दिन हम लोग उस जल से सर धोते हैं। कई जगह सब लोगों के अलग अलग मतलब रिचुअल्स होते हैं, तो हमारे यहाँ तो यही होता है। और आप लोगों के क्या यहाँ क्या होता है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा मुझे। और आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए, तब ताकि हम लोग इस ऐसी ही नई वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहें और हमारा चैनल ग्रो करे और हमारे जो यूट्यूब फैमिली है वो भी ग्रो करे। तो इस तरीके से हमारी पूजा करी गई और ये बच्चों की भी मैं आरती कर रही हूँ। अब भाई बहुत मतलब शाम को 7 बजे तक का व्रत होता है, तो काफ़ी भूख नहीं लगती है मुझे उतनी, ना प्यास लगने लगती है लेकिन, तो मुझे तो बहुत तेज प्यास लग रही है, तो मैंने कहा मुझे पहले पानी पिलाओ बस कैसे भी करके। तो उन दोनों ने मुझे पानी पिलाया और आज था मेरे फादर का बर्थडे। Happy birthday, dear तो आज इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नए व्लॉग में।